पूर्व केंद्रीय मंत्री दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की बेटी सुप्रीम कोर्ट के वकील बीजेपी की नेता, जैसी स्वराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जो टिकट देते समय छह लोगों को बदल दिया गया माना यह है कि बीजेपी को इस बात का डर है कि पुराने चेहरों के साथ हम उतरते हैं तो हार खतरा है बिल्कुल गलत है हमारे यहाँ पर टिकट कटते नहीं हैं टिकट मिलते हैं और पद नहीं होते दायित्व होते हैं जब तक आपको एक दायित्व निभाने के लिए अवसर दिया जाता है आप उसको पूरी निष्ठा से निभाते हैं यदि वह दायित्व किसी और को सौंप दिया जाता है तो आप मार्गदर्शन करते हैं ताकि नया उस दायित्व को भी पूरी निष्ठा से निभा पाए बस वही हुआ है कितनी बारीकी से आपने शब्दों के हेर फेर से अपनी बात ठीक से रख दी है मैं बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि देखिए इसमें एक सोच के ऐसा है तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस बार मिलकर दिल्ली में लड़ रही हैं और ये एक जोखिम है बीजेपी के सामने कि अगर पुराने चेहरों के साथ हम लड़ते हैं तो एंटी कम्युनिस्टिव फैक्टर भी काम कर सकता है और दोनों का वोट मिलकर के हालांकि

कि वे अपने बच्चों की शपथ खाते हैं वे कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे आज उन्होंने 180 डिग्री का यूटर्न करा है इससे कहीं ना कहीं जनता जनार्दन का उन पर से भरोसा उठा है और जैसे मैंने कहा कि ये स्वार्थ पे टिका हुआ गठबंधन है आप ये देखिए एक समय था जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक काले कलर की डायरी झलकाया करते थे और उसमें 500 करोड़ का करप्शन क्लब का बखान करते थे जिसमें कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं का नाम लिखा था आज के दिन आम आदमी पार्टी जो सर से लेके पाओ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है ऐसी पार्टी जो चुनी गई थी एंटी करप्शन प्लैंक पर लेकिन शराब घोटाला शीश महल घोटाला क्लासरूम घोटाला घटिया दवाइयों का घोटाला फर्जी टेस्ट का घोटाला एक लंबी श्रृंखला बन गई है ऐसा लगता है जैसे उसी 500 करोड़ के करप्शन क्लब की मेंबरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार्टी ने अचीव कर ली है ये दोनों एक दूसरे की परछाई बन गई है और जनता इनके भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा त्रस्त है और ये भी देख रही है कि ये गठबंधन ठगबंधन है इसमें किसी भी प्रकार का ना तो मुद्दों का समन्वय है ना इन पर विचारधारा का समय है समन्वय है हाल ही में इन्होंने एक रैली करी उसमें आप देखिए आम आदमी पार्टी कह रही थी कि ये रैली जो है ये उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके अरेस्ट के विरोध में करी लेकिन कांग्रेस ने आते ही कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं है ये व्यक्ति विशेष के लिए रैली नहीं है ये पूरे के पूरी इंडिया अलायंस के लिए है तो अगर आप में समन्वय रैली की वजह तक पे नहीं बन सकता तो आपका कैसा गठबंधन है तो ठगबंधन आप खुद को भी ठग रहे आपने अलायंस पार्टनर को भी ठग हैं लेकिन जो आप कहती हैं आम आदमी पार्टी ठीक इसके उलट आपकी काट रखती है आप कहती है अरविंद केजरीवाल ने कसम खा करके जो बातें नहीं करने को कहा था तमाम बातें उन्होंने वही की है जी। जिसके विरोध में वो खड़ा हुए आज उसके साथ ही आप कहती लेकिन आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भ्रष्टाचार के मोर्चे पर हमको फंसाने और हमको बदनाम करने की एक बड़ी सोची समझी बीजेपी की निराधार आरोप है। बिल्कुल निराधार आरोप आरोप है, है बिल्कुल जो गठबंधन उन्होंने करा है ये भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन है इनका देश बचाओ आंदोलन नहीं जितनी भी कार्रवाई हो रही है ये सारी की सारी भाजपा नहीं करवा है आप देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति अगर उनको बेल नहीं मिल रही है तो ये कंप्लीटली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ हेमंत सोरेन जी ने दस समन्स का निरादर करा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने नौ समन्स का निरादर करा पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 50 सब सेक्शन तीन के तहत ये अनिवार्य है कानूनी तौर पर अनिवार्य है कि अगर आपको समन दिया जाए तो आपको जाकर जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होना है यदि आप नहीं होते हैं, तो आप के अरविंद केजरीवाल जी ने निरादर करा तो उन्होंने विवश कर दिया ईडी को कि वो आकर इनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए उसी तरह जैसे हेमंत सोरेन जी ने विवश कर दिया जांच एजेंसियों को कि वो आकर इनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए दूसरी तरफ आप ये देखिए मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई है क्योंकि कोर्ट ने कहा है चाहे ट्रायल कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि प्राइमा फेसी एविडेंस करप्शन का इन आम आदमी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध जांच एजेंसियों ने, ने पेश कर दिया